खुश आमदीद नाजरीन, शार्प इंडियंस न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। कुलसुमपुरा पीएस लिमिट्स फायर एक्सीडेंट में एक सोफे के गोडाउन में लगी आग की वजह से दो लोगों की जान गई और दो लोग सीरियस कंडीशन में है। कुलसुमपुरा पुलिस ने गोडाउन के ओनर धनंजय बंसल को आज गिरफ्तार करते हुए रिमांड पर भेज दिया गया। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। 24 तारीख जुलाई में सुबह 1:30 बजे ये फायर एक्सीडेंट हुआ था। उसमें से चार लोग क्रिटिकल कंडीशन में था हॉस्पिटल में, और उसमें से उनका बाप और बड़ा बेटी दोनों मर गया था, और दोनों उनका वाइफ और उनका छोटी बेटी अभी क्रिटिकल कंडीशन में है। उसका ये दो वर्क एरिया है ना, उसमें इलीगल का काम विदाउट परमिशन कर रहे थे, और उसमें थोड़ा फायर सेफ्टी भी कुछ भी नहीं है। और ये ऑफिसर लोग आके काली चेक करके वो पैसे लेके जा रहे थे, उसमें कुछ भी सेफ्टी नहीं है, फायर सेफ्टी कुछ भी नहीं थे। और ये ओनर का मकान जो है ना, रेजिडेंशियल और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, उसमें कुछ सेफ्टी भी नहीं है। और जो मकान का ओनर अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं हुआ था, जो मर गए तो भी हम लोग फ़ोन ट्राई कर रहे थे, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं था। इसलिए अभी ये एसीपी साहब के आए थे, कुछ वो जो गरीब लोगों को कुछ बहुत डैमेज हो गया, उसको कुछ ये फायदा करना है। कितने डेड हुआ उसमें? उसमें अभी दो आदमी डेड हुआ था, पूरा उसका 100% बर्न था, और दो आदमी क्रिटिकल में है। अच्छा, आप लोग कंप्लेंट नहीं कर रहे, इलीगल छुपा वर्क चला रहा था, उसका नाम क्या है? उसका नाम धनंजय है, और हम लोग कंप्लेंट करने के लिए नहीं, क्यों बोलते, हम लोग गरीब आदमी है इन लोग, और वो ऑफिसर लोग भी आए आके पैसे लेके चले जा रहे थे, कुछ मैनेज करने वाला है ओनर। अभी तक ये क्या है बोलते, कौन से भी गवर्नमेंट होने दो, वो ऑफिसर लोग आ रहे हैं ऐसे चले जा रहे पैसे लेके, बस उसका कंप्लेंट नहीं करा उसके बारे में। उसके बारे में कंप्लेंट किया था, अभी एफआईआर भी हो गया था 125B सेक्शन में। पहले कंप्लेंट नहीं किया, पहले कंप्लेंट हम लोग नहीं किया, ये होने के बाद भी ये कंप्लेंट हुआ था। कितने आदमी को रिमांड करे लोग? अभी पुलिस बोल रहे थे एक ही आदमी जो ओनर है उसको कल रात में रिमांड करा था। आप लोगों का डिमांड क्या है, दूसरों को भी कुछ उसको बेटों करना बोल? हमारा डिमांड है, वो जो बच गए अभी हॉस्पिटल में, वो भी क्रिटिकल है, अभी उस्मानिया में है, वो जो बचने का चांस ज्यादा है, इसलिए मैं हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो शिफ्ट करना है थोड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल को, पहले डिमांड यही है। उसके बाद वो लोग बाहर आने के बाद उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो तो कुछ उनसे कुछ उनका क्या है वो अटैच करना है, उनका पूरा भी अटैच करना है, कुछ रेगुलर मंथली इनकम आने के लिए सोचना है। अभी एसीपी साहब क्या बोले? एसीपी साहब उनको अभी फोन किया था, उन लोग आ रहे, आने के बाद थोड़ा बात करेंगे बोल के सोच तो नहीं हुआ। हम लोग सुबह से इधर ही फिर रहे थे, और स्पॉट के ने भी गए थे, उनको फोन करे तो भी रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे, और हम तो वो बोल रहे अभी आ रहे, इधर आ रहे उधर आ रहे बोल के बोल रहे। अगर कुछ भी नहीं हो तो एसीपी साहब करने आए थे, अब इधर भी नहीं हो तो हम लोग बराबर डीसीपी ऑफिस को जाएंगे, उधर से देख लेंगे हम लोग।